हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि अब इस समय का मौसम कैसा है और केदारनाथ की यात्रा अब कैसी चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में है कि बारिश के मौसम में कैसे क्या कुछ लेकर जाएँ। और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब केदारनाथ धाम में मोबाइल बंद हो चुका है? तो आज के बारे में यही वीडियो, ये मतलब पूरा ब्लॉग और डिटेल में होने वाला है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आइए अब आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक एक करके बताते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुलाई के मौसम में थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है, नीचे भी और ऊपर भी। तो आप लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट ये है कि नीचे बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बाकी बीच बीच में आपको मौसम साफ देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही हो कि यात्रा बंद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश है। बाकी आप लोग, मैंने जैसे कि आपको बार बार अपनी सारी वीडियोस में बताता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको लेकर जानी चाहिए अपने साथ बारिश के मौसम में। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें सबसे पहले आपको रेनकोट लेकर जाना है, उसके बाद आपको अच्छे शूज़ रखने हैं, उसके बाद आपको कुछ गर्म कपड़े भी अपने साथ रखने हैं अगर आप ऊपर जाते हैं। क्योंकि कोई भी वेदर हो, कोई भी मौसम हो, अगर आप केदारनाथ में ऊपर जाते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर ठंड देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी बहुत आप अपने साथ दवाएं भी रखें। उसके बाद आपको अब मैं वीडियो में बताता हूं कि हेलीकॉप्टर की जो यात्रा है, हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो भी चालू हो चुकी है। उसके बाद काफ़ी सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो जब आप ऊपर मंदिर में चढ़कर जाएंगे तो वहाँ पर आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक करने वाले होते हैं, वो आपको रजिस्ट्रेशन आपका चेक करके आपको एक टोकन देंगे। जब आपको वो टोकन मिल जाएगा तो उस टोकन का उपयोग करके आप लाइन में खड़े हो सकते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि थोड़ा बारिश का मौसम है, ऊपर जाकर कैसा होगा? तो ऊपर आपको बहुत सारे ऑनलाइन बुकिंग के भी ऑप्शन मिल जाएंगे रूम के, और ऑफलाइन रूम के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग जाकर मतलब यात्रा करके ऊपर स्टे करना चाहते हैं तो 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको पर पर्सन के हिसाब से रूम मिल जाएंगे, और टेंट की कीमत थोड़ी मतलब कम होगी। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, चाहे आप रूम लेना चाहे, चाहे आप टेंट लेना चाहें, तो आपको दोनों चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद जब आप मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर में काफ़ी सारा ऊपर से मतलब छा दिया गया है, जहां पर लाइन लगती है तो हल्की फुल्की बारिश होगी, तब भी आपको दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी इस समय केदारनाथ का मौसम ठीक ठाक है, लेकिन बारिश हो जाती है बीच बीच में, और बारिश हो भी रही है तो रोडों पर जो थोड़ा बहुत कीचड़ उचड़ आ जाता है उनको भी साफ़ किया जाता है टाइम टाइम से, क्योंकि घोड़े खच्चड़ भी काफ़ी आते हैं तो जिससे कीचड़ बढ़ जाता है, लेकिन उनकी सफाई की जाती है। उसके बाद अब सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ा जो अपडेट है, काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या ऊपर अब फ़ोन ले जाना बैन है, फ़ोन बंद है क्या? तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मंदिर परिसर वालों ने एक चिट्ठी लिखी थी वहां उत्तराखंड मतलब प्रशासन को, कि जो मंदिर का परिसर है वहाँ पर मोबाइल का यूज़, रील, यूट्यूब वीडियोज़ काफ़ी बनने लगी थी, जिससे भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होने लगी थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मोबाइल यहाँ पर बंद किए जाएँ। तो हाँ, कह सकते हैं कि मोबाइल जो मंदिर का एरिया है वहाँ पर मोबाइल का यूज़ अभी बंद है, तो आप लोग मत करिएगा। बाकी तो दर्शन खुले हुए हैं सबके लिए और यात्रा भी चालू है। उसके बाद अब सबसे बड़ी अपडेट वाली बात यह है कि रास्ते में आपको कुछ शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से लोग रास्ते से मतलब शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि बारिश में शॉर्टकट लेना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ मतलब बड़े एज वाले लोग हैं, तो आप लोग शॉर्टकट का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा होता है कि रास्ता काफ़ी स्लिप करने लगता है। तो इस वजह से आप लोग शॉर्टकट को अवॉइड करिएगा, और जो सीधा रास्ता है उसी को यूज़ करिएगा। तो इस वीडियो में यही सारी अपडेट मैंने आपको बताई, जो कि काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। आपके लिए अच्छा सामान ले जाना, रेनकोट ले जाना, दवाइयाँ ले जाना, क्योंकि रास्ते में आपको बारिश कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी, और यात्रा दूसरी चीज़ चालू है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के दिमाग में अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ आती है वीडियो से रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड, कैसे क्या करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं सबको रिप्लाई करूँगा, और सबको मतलब जितनी भी चीज़ें अपनी तरफ से हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है कैसे क्या होता है, सब कुछ बताने की, शेयर करने की कोशिश करूँगा।
ताकि आप सबके लिए यात्रा में आसानी हो। और कमेंट बॉक्स में सब लोग अब हर हर महादेव लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे कॉन्टेंट के लिए आप लोगों को मिलता रहेगा।